जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का जो रिज़ल्ट आने वाली थी दोस्तों, वो अभी आ नहीं रही है। तो दोस्तों मैं यहां से बात करने वाला हूं कि इसका रिज़ल्ट आ चुका है या आने वाला है। तो दोस्तों इसका जो भर्ती 8415 पोस्ट इनका था और सारा विद्यार्थियों ने इन पे सवाल उठाए थे कि इनका भी रिज़ल्ट क्यों पोस्टपोन कर दिया गया है, इनका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा था। दोस्तों मैं आगे वीडियो चलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, मैं यहाँ से दिखा दूँ कि इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि मैं अपडेट जो दूँ वो आपके पास जा सके। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ जो सिपाही भर्ती 8415 पदों पे जो इसका बहाली आई थी, इसका एग्ज़ाम लिखित परीक्षा द्वारा ली गई थी। 14 मार्च से 21 मार्च का इसका लास्ट परीक्षा था दोस्तों। सुबह में 14 मार्च का सुबह में फर्स्ट सीटिंग 10 AM से 12 PM में हुआ था दोस्तों। इसका जो रिज़ल्ट डेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका रिज़ल्ट डेट सितंबर 2021 एक्सेप्टेड दिस रिज़ल्ट। तो दोस्तों मैं यहां से बता दूं आपको, यहां मैं भी दिखाने वाला हूं कि रिज़ल्ट डेट सितंबर में दे दी गई है। तो इसका डेट जो दी गई है दोस्तों, मैं कन्फर्म तो बता नहीं सकता हूँ लेकिन यहाँ से बता रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट सितंबर में तो आ ही जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से देखे थे अगली वीडियो में बात की थी NTA की ओर से, नीट की जो एग्ज़ाम चल रही थी वो भी घुरा फिरा के कल की डेट में उनकी सुनवाई हो चुकी थी और पोस्टपोन्ड नहीं होने के कारण 12 सितंबर को ही नीट का एग्ज़ाम घोषित कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग नहीं विश्वास करते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन PDF के द्वारा यहाँ से देख सकते हैं रिज़ल्ट। तो दोस्तों आगे की मैं वीडियो में बात करूँगा कि रिज़ल्ट आएगी कब और कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड। तो दोस्तों वीडियो को करता हूँ यहीं पर समाप्त। जय हिंद जय भारत।